अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शगुफ्ता किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेस्टी क्रिस्पी क्रंची गोभी के पकोड़े की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये पकोड़े घर में सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए टेस्टी क्रिस्पी और क्रंची गोभी के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। यहाँ गोभी के पकौड़े बनाने के लिए 1/2 kg गोभी ली है, जिसको अच्छे से वॉश करके पीसीज में कट कर लिया है। सबसे पहले इन गोभी को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए पानी को हमने पहले ही उबलने के लिए रख दिया है। अब इस उबलते हुए पानी में हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और अब इस पानी में गोभी को डाल देंगे। गोभी को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। गोभी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, गोभी को हम इतना ही पकाएंगे ताकि गोभी का हल्का सा कच्चापन निकल जाए। देखिए हमारी गोभी आधी पक चुकी है, अब हम इसको एक छलनी में निकाल लेंगे। और अब गोभी को ठंडी होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी गोभी ठंडी होती है तब तक हम बेसन से बैटर तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी हमने बेसन लिया है, बेसन को इस मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब इसमें 2 चम्मच अरारोट डालेंगे, आप चाहते इसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच साबुत धनिया लेंगे, इसको हाथ से क्रश करके डाल देंगे। 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच रेड कलर के लिए इसमें हल्दी डाल देंगे और 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 चम्मच इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और फ्रेशनेस के लिए इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। 2 चुटकी इसमें हींग डाल देंगे। हींग डाइजेशन और टेस्ट दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब बेसन में पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी को एक साथ पूरा नहीं डालेंगे वरना बैटर पतला हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि हमारा परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो जाए और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई, हमारा परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। और अब इस बैटर में गोभी के 1-1 पीस को डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि बेसन अच्छे से गोभी पर कोट हो जाए। तेल हमने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब गोभी के 1-1 पीस को तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। गोभी के पकौड़ों को लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इनको दूसरी साइड से पलट देंगे। दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये पकोड़े दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं और इनका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इनको हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी टेस्टी यम्मी गोभी के पकोड़े बनकर तैयार हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ ये बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। आप इनको अपनी मनपसंद हरी या लाल चटनी के साथ में सर्व कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।